फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड इस वीडियो में मैं शूट कर रहा हूँ सनग्लासेस एंड दिस इज माय सेटअप एज यू कैन सी। पहली बात तो आई वांट टू टेल यू कि मैं शूट कर रहा हूँ एक सनग्लासेस के क्लाइंट के लिए। बेसिक क्रिएटिव शूट ही इज रिक्वायरिंग फ्रॉम मी, सो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा सेटअप बनाया दैट आई वांट टू शो यू। कम क्लोज प्लीज। सो हियर एज यू कैन सी थ्री सनग्लासेस आर कैप्ट एंड ये जो ब्लू वाला सनग्लासेस है आई हैव कैप्ट इट इन द मिडल। ये एक इसके ऊपर रखा हुआ है, स्टोन के ऊपर रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने ये व्हाइट सैंड मैंने रखी हुई है जस्ट टू गिव अ लिटिल आउटडोर फील टू द यू नो टू द पिक्चर। सो लेट मी शो यू व्हाट आई हैव अचीव्ड सो फार। सो दिस इज द पिक्चर दैट आई हैव अचीव्ड। यू कैन सी, थोड़ा सा क्लोजअप करते हैं। This is the picture that I have achieved. I want to show you now. I want to show you now how I have done the lighting for this setup. Chhota sa studio bana rakha hai, to kafi kam space hai. Here, if I'll show you, come please. So there is this LM Chrome light, FRX 400 that I have used here. ये आप देख सकते हैं एक छोटा सा सॉफ्ट बॉक्स इसके ऊपर लगा रखा है एंड आई हैव केप्ट इट नेकेड। तो यहाँ पर मैंने इसका जो डिफ्यूजर है उसको रिमूव करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने ये स्किमर लगा रखी है, ये स्किमर डिफ्यूज कर रही है लाइट को एंड एज वेल एज जो सनग्लास है, सनग्लासेस के जो ग्लास है उसमें एक बहुत अच्छा सा फ्लेयर लेके आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्किमर। Here, if I'll show you one more light that I'm using, this another light I'm using Snoot with it. So this, what this light is doing is, if you can see, I'll show you in this picture. So this light basically is creating a shadow over here. I am going to switch off the room light so that आप देख सकें जो इसका जो continuous light है वो जब इसके ऊपर fall कर रही है तो वो exactly कैसे दिख रही है picture। Do a close up, उधर close up करके दिखाना। आ जाओ बेटा। So like you can see, I mean the shadows are creating. Let me take one picture with the snoot light on. Right now only Snoot is firing and you can see the picture. Okay, now I'm going to switch on the main light. Okay, so the Snoot light, jo Snoot light hai, that is a backlight and this light is a main light. Okay, so now I'm going to show you what this light is exactly doing to the picture. So you can see, okay, तो अभी आपने देखा कि जब भी मैंने स्नूट जो मेरी बैक लाइट थी उसको मैंने जब जलाया तो उसका कैसा इफेक्ट आ रहा है एंड उसके बाद जब मैंने अपनी मेन लाइट थी वो जब मैंने जलाया तो उसका इफेक्ट कैसा आ रहा है पिक्चर के ऊपर। सो अभी व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू स्विच ऑन बोथ द लाइट्स एंड आई एम गोइंग टू टेक वन फाइनल पिक्चर। ओके, and let me show you the picture. So this is how this picture has come out after switch on both the lights. Now I'm going to take this picture to the Photoshop and let's see how we can make it a little better on Photoshop. Let's go. Abhi Photoshop pe I'm going to open that picture. So here I will go to open and let me open the picture. Okay, so now this picture has opened and kyunki ye picture maine CR2 mein shoot kiya hua tha. What is CR2? CR2 is a unprocessed file which we also called RAW. Another thing जो कि मैं भूल गया था आपको बताना कि जो मैंने कैमरा यूज़ किया है वो मैंने Canon Mark III यूज़ किया है, उसके साथ जो मैंने लेंस यूज़ किया था वो भी Canon का 7200 लेंस था 2.8. ओके, इट्स अ एल सीरीज लेंस। क्योंकि ये पिक्चर मैंने CR2 में शूट किया था तो ये इसका रॉ का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है एंड इट्स एन अनप्रोसेस्ड फाइल। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ आई एम गोइंग टू प्रोसेस दिस पिक्चर।
लेट मी शो यू. सो देर आर लॉट ऑफ फीचर्स हियर. यहाँ पर टेम्परेचर है, एक्सपोजर है, कॉन्ट्रास्ट है, हाईलाइट्स है. सो मेरे को जो सबसे पहली चीज़ जो लग रही है इस पिक्चर में, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पिक्चर में थोड़ा सा वार्म टोन कम है एंड आई वॉन्ट टू इंक्रीज अ लिटल मोर वार्म टोन इन दिस. अब हमने थोड़ा सा वार्म टोन बढ़ा लिया है एज यू कैन सी. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. एक्सपोजर आई विल इंक्रीज. वैसे मेरे को एक्सपोजर ठीक लग रहा है बट स्टिल मैं थोड़ा सा और ओपन अप करूँगा, बहुत थोड़ा सा, बहुत मार्जिनली आई हैव ओपनड द एक्सपोजर. जब ये आप रॉ में शूट करते हो तो पिक्चर काफ़ी आपकी ब्लेंड होती है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि शेडो और हाईलाइट में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है. मतलब आई एम गोइंग टू इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट एंड एज सून एज आई एम गोइंग टू इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट यू विल बी एबल टू सी डेप्थ इन माई ब्लैक्स एंड द हाईलाइट्स. एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू ब्रिंग द शेडोज. आई एम गोइंग टू पॉप अप द शेडोज अ लिटिल मोर. आई वॉन्ट टू सी अ लिटिल मोर, यू नो आई मीन, डार्क टोन्स को मैं थोड़ा सा और डार्क कर रहा हूँ. Okay, so that we have a little depth in the picture and these blacks also I'm going to increase a little more. So now you can see ye jo frame hai ye thoda sa aur dark dikh raha hai, shadows aur dark ho gayi hain. Now this is the clarity. As I mentioned this clarity tool in my previous video also, clarity kya karti hai, aapke mid tones jo highlights aur jo shadow ke jo beech ka jo part hota hai mid tones usme aur depth leke aati hai. And you will see overall in the picture you will see a little more sharpness increases. As soon as I will increase it you will see a little more depth in the picture. Another thing, I want to increase a little vibrance also. I want to pop up the colors also here. Now I'm going to open the image. This is it, what I wanted to do on this dialog box. Now I'm going to open it here. I've opened it. I am going to go to the layers. Here is a layer and this background I am going to double click on it so that it will convert into a layer. Okay, because I am going to duplicate this layer. Okay, now let me just move further. इस picture में अगर हम देखें तो हमें जो सबसे पहली जो चीज़ है, कुछ unwanted चीज़ें हैं that we want to remove, like these particles. I don't want these. ये sand में थे already. So मैंने वहाँ पर मेहनत नहीं करी. I'm going to do a little hard work here. So I'm going to show you how I'm going to do this. So here is the toolbar and I'm going to pick this patch tool. And patch tool के बगल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर J लिखा हुआ है, which is shortcut key for patch tool. अभी मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड आई एम गोइंग टू मेक अ सर्कल अराउंड दिस एंड आई एम गोइंग टू ड्रैग इट एंड एज सून एज आई ड्रैग इट यू कैन सी वो चला गया, अभी ये साफ हो गया. अभी आई एम गोइंग टू डू दिस एज वेल विद दिस. दिस इज ऑल्सो गॉन. सो यू कैन सी एम लाइक इट्स सो ईजी टू डू दिस. दिस टूल इज अमेजिंग, पैच टूल. You can use it on your own and आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से आपको help करेगा in cleaning the picture. Okay, here you go. Like this, and I'm going to clean all the unwanted things that I don't want in my picture. I'm going to remove it. Okay, and here you go. इस तरीके से आप picture से इसको remove कर देंगे. So you can see, I mean, it is so easy to use this tool. First of all, you just all have to create a circle and drag it aside. And here you go. And let me clean this part also. For that, I'm going to magnify it a little more. And I'm going to press J key. Okay, and I'm going to create a circle around this. And as soon as, so let me do this again. इसकी जगह हम एक और कर सकते हैं, एक और बहुत बढ़िया सी टेक्निक है. इफ यू वॉन्ट आई कैन टेल यू. तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये पैच टूल से हमने एक सर्कल क्रिएट कर लिया, बट नाउ वट वी आर गोइंग टू डू इज यहाँ पर एक और लैसो टूल है. ये इस लैसो टूल का इफ़ यू विल टेक इट, यहाँ पर एल लिखा हुआ इस पर आ रहा है. तो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन एल. ओके, एंड आई एम गोइंग टू राइट क्लिक एंड दिस डायलॉग बॉक्स ये ओपन हो जाएगा और इस पर फेदर है, ये फेदर ऑप्शन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे एंड इस पर हम टू लिख देंगे. ओके, फेदर हो गया ये, ओके कर दिया. अब हम क्या करेंगे, इसी लैसो टूल से इसको ड्रैग कर लेंगे. सेलेक्शन था, ये जो सेलेक्शन था वो इधर आ गया है. तो अभी नाउ वट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन वी. ओके, वी इज फॉर दिस वन. Okay, it's a selection tool, move tool basically, and you are going to click on Alt. As soon as you will click Alt or option for Mac, Alt for Windows, as soon as you will click on option, आपको ये दो arrow दिखने लग जाएंगे जैसे ही आप option पे click करोगे.
ऑप्शन को छोड़ देंगे, उसके बाद आप इसको उठा के, अब इसने उस पार्ट को कॉपी कर लिया, उसको इधर ले आएंगे एंड उसके बाद आप कंट्रोल डी कर दोगे, तो आप देख सकते हैं वो जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट ऑब्वियसली इसका जो सराउंड पार्ट था वैसा ही हमें यहाँ पर चाहिए था, तो हमने ये वाली डिटेल इधर ला के रख दी है। अब नाउ यू कैन सी हम लाइक देर इज अ लाइनिंग अ लिटल, सो वट वी कैन डू इज विद पैच टूल आई एम गोइंग टू रिमूव द आउट लाइनिंग, ये जो ब्लेंडनेस थी हो नहीं रही थी ये अब ब्लेंड हो गया है। ओके एंड ये मैं पैच टूल से इसको मैं ब्लेंड कर दे रहा हूँ, आगे रख दिया। अब नाउ यू कैन सी इट्स कम्प्लीटली क्लीन एंड नाउ आई कैन शो यू आई मीन द बिफोर एंड आफ्टर थिंग, सो दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, इट्स गॉन कम्प्लीटली राइट। नाउ वट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मैग्नीफाई द सनग्लास, दिस इज आवर मेन ऑब्जेक्ट एंड इसका ये जितना भी यू कैन सी द डस्ट थिंग आई एम गोइंग टू रिमूव इट। ओके सो हाउ यू गोइंग टू डू इट अगेन, आई एम गोइंग टू यूज, नाउ दिस टाइम नॉट गोना यूज पैच टूल, हाउ एवर यहाँ पर जो पैच टूल के बगल में अगर आप देखोगे यहाँ पर एक एरो है, इस एरो पे मैं क्लिक करूँगा एंड आई विल पिक दिस स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ओके एंड ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल मेरा आ गया। अब वट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मैग्नीफाई द इमेज अ लिटल मोर एंड आई एम गोइंग टू टेक द स्पॉट हीलिंग ब्रश अगैन एंड ओके सॉरी आई बाय मिस्टेक आई प्रेस्ड पी, सो अगेन फॉर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल वॉट इज द शॉर्टकट गाइज, जे जे इज द शॉर्टकट एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन जे एंड हियर यू गो सी, सो ईजिली यू कैन रिमूव द डस्ट फ्रॉम द पिक्चर। कैन यू सी एम लाइक इट इज सो फास्ट एंड ईजी टू डू एंड ईजिली वी विल बी एबल टू रिमूव ऑल द डस्ट पार्टिकल्स। सो अब ये काफ़ी हद तक मैंने अपना जो प्रोडक्ट था ये क्लीन कर लिया है। नाउ अब जो दूसरी चीज़ है जो मेरे को थोड़ा सा सही करना है वो ये छोटा सा एरिया है जिसको आई वॉन्ट टू क्लीन, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए आई एम गोइंग टू टेक दिस स्टैम्प टूल, इट्स राइट हियर क्लोन स्टैम्प टूल, आप देख सकते हैं, और इसका जो शॉर्टकट की है वो है एस, सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन एस एंड आई मेक इट अ लिटल बिग। ओके एंड आई प्रेस अगेन ऑल्ट ऑप्शन ऑन मैक एंड ऑल्ट ऑन पी सी एंड आई प्रेस दैट एंड आई क्लिक दिस एरिया बिकॉज आई वॉन्ट टू फिल दिस एरिया विद दिस टेक्स्चर। ओके सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस, ओके उप्स नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस एंड आई एम गोना आई हैव प्रेस्ड ऑप्शन हियर एंड क्लिक ऑन दिस एरिया टू पिक द दिस थिंग डिटेलिंग। ओके नाउ आई विल क्लिक ऑन द दिस एरिया टू फिल दिस अप। ओके लेट्स डू इट अगैन, लेट्स अगैन प्रेस ऑप्शन और ऑल्ट एंड क्लिक ऑन दिस एरिया अगैन एंड आई एम गोइंग टू, और इसका अगर आप देखेंगे तो इसकी जो ओपेसिटी है यहाँ पर मैंने ओपेसिटी इसकी 73% कर रखी है और फ्लो इसका 75% कर रखा है। ओके सो व्हाट आई विल डू इज आई विल इंक्रीज द फ्लो लिटिल मोर। ओके एंड आई विल क्लिक एंड आई विल क्लिक द फ्लो, आई विल इंक्रीज द फ्लो अगैन सो दैट आई हैव मोर ऑफ दिस। सो क्लिक एंड यू कैन सी किस तरीके से ये फिल कर रहा है इस एरिया को, सो यू हैव टू बी प्रीटी केयरफुल विद दिस। सो एज सून एज ये मेरा जो है you can see it is happening here, I hope guys आप समझ पा रहे होगे कि ये किस तरीके से हमारा क्लोन टूल, आई होप गाइज आप समझ पा रहे होगे हमारा किस तरीके से ये क्लोन टूल जो है काम करता है। ओके सो आई वुड रादर टेक फ्रॉम हियर टू फिल दिस एंड trying to do
as natural as possible. इसको पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए, ओके। और मैं ये सारा जितना भी इधर से जो भी ये पैटर्न है, आई एम ट्राइंग टू फिल इट विद दिस एरिया। सो नाउ यू कैन सी कि ये काफ़ी कुछ फिल्ड अप हो गया है, ओके। अगेन ये अभी भी ब्लेंड नहीं हुआ है बहुत अच्छे से। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अगेन आई एम गोइंग टू टेक अ पैच, द पैच टूल right here, okay, and I'm going to make a circle here and I'm going to take जो मेरे को desired pattern मेरे को चाहिए, मैंने उसकी तरफ इसको कर दिया। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक pattern बन गया, right? ऐसा same ditto ये यहाँ पर copy हो गया, right? And इसको मैंने पहले इस वजह से नहीं किया था क्योंकि वो उस समय उतना अच्छे से नहीं होता। अभी मैंने इसको थोड़ा सा fill कर दिया है तो अभी ये मेरा blend ठीक से हो पा रहा है, ओके। आई होप गाइज जब भी आप इसको करेंगे तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ओके। सो अभी हमारा काफी कुछ ये ब्लेंड हो गया है, आई एम स्टिल चेकिंग कहां पर कैसे ये बेटर हो सकता है, आई एम जस्ट डूइंग दैट स्टफ, ओके। लेट मी चेक दिस ऑल्सो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा ये ब्लेंड हो जाए उतना अच्छा है, ओके। ओके सो ये मोर और लेस जितना मेरे को चाहिए था ये उस हिसाब से उतना हो गया है। आप इसको और बेटर कर सकते हो आई एम श्योर, लेकिन मेरे लिए इतना ठीक है, ओके। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा और ये जो यहाँ पर जो ये डस्ट है इसको अगेन रिमूव करूँगा। सो मैं फिर से आई विल गो एंड पिक स्पॉट हीलिंग ब्रश फ्रॉम योर स्पॉट हीलिंग ब्रश इज ऑसम टू रिमूव सच डॉट्स ईजिली, लाइक नथिंग मच यू हैव टू डू, यू जस्ट ऑल हैव टू टेक द कर्सर ऑन इट एंड जस्ट डू दिस एंड आपका ये क्लीन हो जाएगा, राइट। सो ये मोर और लेस हमारा ये यहाँ पर ये क्लीन हो गया है, ये इस समय काफ़ी जूम्ड है इमेज, तो लेट मी जस्ट गो बैक, जूम आउट करना है मेरे को, मैंने इसको जूम आउट किया। नाउ यू कैन सी ये मोर और लेस हमारा ये क्लीन हो गया है, ये हमारा ग्लास पे भी अब उतना ज़्यादा जैसे डस्ट थे उस हिसाब से नहीं है, ये पार्ट भी हमारा काफ़ी क्लीन हो गया है, ओके। Now what I'm going to do is I'm going to go to curve. So curve आप दो तरीके से जा सकते हैं, तो आपका Mac है उसका command और M अगर क्लिक करेंगे तो आपका curve आ जाएगा। Windows के लिए आपको command पे जो दूसरा option होता है that you will have to click and I don't remember exactly वो कौन सा option था। तो command एंड M से एक तो आपका ये curve आ सकता है और दूसरा आप image पे जाएंगे और adjustment पे जाएंगे उसके बाद आप curves पे जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका कर्व्स आ जाएगा। कर्व्स में क्यों लेके आया हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग अ लिटिल मोर कॉन्ट्रास्ट एंड आई विल मेक अ लिटिल एस हियर, नॉट टू मच, नॉट टू डीप ऑल्सो, एंड आई थिंक आई एम गुड नाउ। आई विल सी बिफोर एंड आफ्टर, वेरी मार्जिनल चेंज दैट यू कैन सी आफ्टर कर्व। So I am done with the picture guys, and I mean let me show you the difference. So let me go to history and click on this, let me just magnify it, and so you can see all the dust and everything was there and we have done this, can you see? So guys aapne dekha kis tarike se ek chote se jagah par ek chote se room mein aap do light ke sath ek डिसेंट सा क्रिएटिव प्रोडक्ट शूट आप कर सकते हो, राइट। एंड उसको शूट करने के बाद आपने ये भी देखा किस तरीके से हम अपनी CR2 और जो अनप्रोसेस रॉ फाइल्स होती हैं उसको हम किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं एंड फोटोशॉप पे हम किस तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। इफ़ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट
and like the video, and do let me know in the comment section what else would you like to see in the future. एंड आप बता भी सकते हो मेरे को कि मैं किस तरीके से अपने वीडियोज़ को बेटर कर सकता हूँ. आई होप यू विल हेल्प मी इन दिस. टिल देन यू टेक केयर योर सेल्फ एंड गुड बाय.